साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। बिजनौर में कुत्तों का आतंक, 5 दिन में 2 कोतवालों को काटा, लोगों ने प्रशासन से पकड़ने की मांग की। जब सरजी स्कूल आएंगे तभी हम पढ़ेंगे, हेडमास्टर के निलंबन से नाराज बच्चे सड़क पर उतरे, बोले गुरुजी अच्छे हैं, मैडम झूठ बोल रही हैं। संभल में बुजुर्ग पर आवारा सांड ने किया हमला, मौके पर हुई मौत, शौच के लिए गए थे जंगल में, जंगल के दौरान हुई मृत्यु। बाल मेले की तैयारियों में जुटा प्राधिकरण, मुरादाबाद के हर्बल पार्क में लगेगा एमडीए ऑफिस से शुरू की मैराथन। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग, युवक की मौत, औरैया की वाल्मीकि कॉलोनी में तमंचे से चली गोली, मौत के बाद आरोपी फरार। लाइव वीडियो बनाते समय नदी में कूदा युवक प्रेमिका के भाई को की आखिरी कॉल, बोला तुम्हारी बहन ने धोखा दिया, मतलब ही है वो। उत्तम शुगर मिल में गन्ना की तौल कराई बंद, मुजफ्फरनगर में खाई खेड़ी के स्थानीय किसानों की मांग, हमारी अलग लाइन लगे। उन्नाव पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, ढोल नगाड़े के साथ किया गया स्वागत, 13 से 19 नवंबर तक सुनेंगे श्री भगवत कथा। औरैया में पत्नी से विवाद के बाद पति ने दी है अपनी जान, बुजुर्ग मां बाप से अलग करना चाहती थी पत्नी, पुलिस ने लिया हिरासत में। निकाय चुनाव में 100% जीत की तैयारियों में भाजपा, विरोधी पार्टियों की तैयारियों पर गड़ाई निगाहें, बैठ के कर बदली रणनीति। हमीरपुर का मौधा बांध बनेगा टूरिस्ट प्लेस, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी मिलेगी सुविधा, 15 करोड़ से होगा कायाकल्प। शामली में बाइक से गिरकर महिला घायल, रात को कैराना से लौटते समय हादसा हुआ, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। अग्निवीर सेना में भर्ती में फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार, बदायूं का प्रदीप फर्जी तरह से बरेली में देखने पहुंचा था भर्ती, मार्कशीट जांच में मिली फर्जी। अयोध्या 60% अस्पतालों में एलाइजर किट से जांच शुरू, डेंगू के नाम पर निजी अस्पताल का रहे मोटी कमाई। उन्नाव में 2 पक्षों में मारपीट, कुल्हाड़ी बागे से हमला, घर के सामने दोनों फेंकने खूनी संघर्ष, दोनों तरफ की महिला समेत 10 लोग घायल। मुरादाबाद में नए एसएसपी हेमराज मीना ले लिया चार्ज, हेमंत कुटियाल की जगह भेजे गए आईपीएस मीणा, सुबह पहुंचे मुरादाबाद। देवरिया में निजी जमीन पर बनवा दिया सामुदायिक शौचालय, पूर्व ग्राम प्रधान सेक्रेटरी पर मुकदमा दर्ज। छह दिन से लापता युवक का शव कुएं में मिला, फतेहपुर की घटना, भतीजे ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप, बदबू आने पर पता चला। इटावा के चंबल पुल पर डीएम एसएसपी का निरीक्षण, लोडेड वाहनों को पेपर चेक किए, मोरंग लदे ओवरलोड 2 डंपर किए सीज। सहारनपुर में कांग्रेस नेता को धमकी देने वाला खच्चर गिरफ्तार, वीडियो वायरल कर दी थी जान से मारने की धमकी, आरोपी पर दर्ज है 25 मुकदमे।
परिवहन मंत्री ने मऊ बस स्टेशन पर देखी सुविधाएं खामियां मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार, निलंबन की दी चेतावनी। मिर्जापुर में युवक की हत्या मामले में 6 गिरफ्तार, विवादित जमीन पर कचरा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई FIR। चंदौली में SUV कार से गौवंश बरामद, स्कॉर्पियो से कर रहे थे तस्करी, 4 जिंदा गौवंश को छुड़ाया, 1 तस्कर गिरफ्तार। सीतापुर में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट पीट कर मार डाला, जमीनी विवाद में पीट कर किया था अधमरा, लखनऊ में इलाज के दौरान तोड़ा दम। जालौन में कागज फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे मशक्कत कर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। आगरा में भीषण सड़क हादसा, 3 बाइक सवार लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर मौत। औरैया में दबंगों ने थाने के पास दलित युवक को 20 सड़क पर बेरहमी से पीटा, दलित की 20 सड़क पर होते पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिसोदिया को मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी, इंटरनेट कॉल के जरिए दी गई धमकी। गोंडा में एक बार फिर तेंदुए ने दी है दस्तक, तेंदुए की आहट से इलाके में लोग दहशत में। अलीगढ़ के महेंद्रनगर में रंगदारी को लेकर युवक ने की है फायरिंग, घटना का CCTV वीडियो हुआ है वायरल, आरोपी गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में मिश्री लाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज में मनाया गया वार्षिक उत्सव, कार्यक्रम में सांसद सत्यपाल सिंह रहे मौजूद। बुलंदशहर में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा, परिजनों ने किया हंगामा। फर्रुखाबाद में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे व लहराए गए तमंचे। बुलंदशहर में स्कूल की बस के नीचे आने से 5 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत, नरसेना थाना क्षेत्र के गांव चासी की घटना है ये। गाजीपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, कहा अपने हक हिस्से के लिए पागल बनना होगा। गाजियाबाद में यशोदा अस्पताल रन फॉर हार्ट ऑफ मैराथन का किया आयोजन, हाफ मैराथन में केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने भी लिया हिस्सा। गुना में सहकारिता मंत्री GPS राठौर के कार्यक्रम के दौरान गुल हुई बिजली, मोबाइल की रोशनी में मंत्री ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हरदोई में DM कार्यालय के सामने बाइक चोरी, चोरी की वारदात CCTV में हुई कैद, बाइक चोरी से पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। कुशीनगर में भाजपा द्वारा परिचयात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में सांसद विजय दुबे एवं विधायक रहे मौजूद। गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर अलीगंज गुरुद्वारे साहिब में धूमधाम से आयोजित हुए कार्यक्रम। रायबरेली में डॉक्टरों की लापरवाही से गई मासूम बच्चे की जान, परिजनों ने लगाया आरोप, लालगंज कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव का है मामला। सीतापुर में जन चौपाल के दौरान CDO ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, फरियादियों की
समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी किया गया। रायबरेली में ग्राम पंचायत का तानाशाही फरमान, किशोरी के दुष्कर्म की कीमत लगाई 70,000। सीतापुर में कोटा वितरण करते समय कार्ड धारकों को दिया गया कम राशन, ग्रामीणों ने कोटेदार पर लगाया आरोप। श्रावस्ती पहुंची ग्राम विकास विभाग एवं समग्र विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, बोले समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। सीतापुर में भाजपा किसान मोर्चा का एक दिवसीय प्रशिक्षण, प्रदेश मंत्री समेत कई नेताओं ने लिया हिस्सा, पार्टी के इतिहास की दी जानकारी। अमेठी में सपा नेता समेत चार पर रंगदारी का मुकदमा हुआ था, भाजपा नेता प्रदीप सिंह के तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। गाजीपुर में गंगा नदी में डूबे युवक की तलाश जारी, गंगा में छलांग लगाते युवक का वीडियो हुआ था वायरल, एसडीआरएफ की टीम कर रही है तलाश। आवारा पशुओं को पकड़ेगी हरदोई पुलिस, आईजी लखनऊ का अजीबोगरीब फरमान, गौवंशों को पकड़कर गौशालाओं में बंद करने के दिए हैं निर्देश। रायबरेली में दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौके पर हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में महिला को अस्पताल में भर्ती कराकर पति फरार, बहन बताकर साथ ले गई महिला, सिर पर थी चोटें, गहरे निशान। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भीड़, दर्शकों ने लिया अव्यवस्था के बीच पहुंचा श्रद्धालुओं का सैलाब। लखीमपुर खीरी में नकली खाद के दो और गोदाम सीज, राजापुर इंडस्ट्रियल स्टेट व तिकोनिया में मिला जखीरा, नेपाल में भी होती थी सप्लाई। टोल टैक्स बचाने के लिए बनाया पुलिस का फर्जी आई कार्ड, पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को किया गिरफ्तार, यूपी पुलिस का कार्ड मिला। बहराइच में नामी सभासद ने खून से लिखा पत्र, वार्ड के पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के नाम काटने की शिकायत, ब्लेड से अंगूठा काटकर लिखा। चंदौली में सड़क पर टहलने निकले युवक की मौत, परिजन बोले ब्रेन हैमरेज से गई जान, युवक की मौत से गांव में सन्नाटा। अमेठी में चार छाती चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान, तीन तमंचे बरामद, सरगना पर दर्ज है गैंगस्टर समेत कई आपराधिक मुकदमे। गाजीपुर में तीन शराब तस्कर गिरफ्तार, 325 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, डीसीएम पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर की जा रही थी तस्करी। फतेहपुर में शारीरिक संबंध न बनाने पर प्रेमिका का वीडियो किया वायरल, युवती के पिता ने पुलिस से की शिकायत। हाथरस में बड़े डेंगू के मरीज, दो नए मामलों के साथ जिले में 22 पहुंचा आंकड़ा, एंटी लार्वा का कराया गया छिड़काव। गाजियाबाद में गला रेतकर भाई की हत्या, बुर्का पहनकर घर में घुसा हत्यारा, भाभी के साथ मिलकर रची साजिश। शादाबाद एसडीएम ने सड़क पर चलाया चेकिंग अभियान, अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई, 9 ट्रक किए गए जब्त। अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार, टोली बनाकर खेतों पर जा रहे थे ग्रामीण, वन विभाग ने लगाया पिंजरा, सतर्क रहने के दिए निर्देश।
पहले की गौकशी फिर थाने में किया हंगामा। मेरठ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वकील को फंसाने के लिए रचा गौकशी का ड्रामा, 5 गिरफ्तार। कन्नौज में फर्जी स्कूल पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कब्जाने के लिए कराया था निर्माण, जांच में एक भी छात्र नहीं था दाखिल। मेडिकल कॉलेज बीमार, शासन ने थमाए नोटिस, परिसर और हॉस्टल में फैली गंदगी पर जताई नाराजगी, प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी। वाराणसी में चलती ट्रेन से बेटी को गोद में लेकर कूदा पिता, दोनों की मौत, दिल्ली से दरभंगा जा रहा था परिवार, वाराणसी में पत्नी ने ट्रेन रुकवाई। कानपुर देहात में समाधान दिवस पर सोते रहे दरोगा, पुलिस विभाग बोला दर्द से परेशान थे, दवा खाने के कारण आंख लग गई। बुलंदशहर में सराफा को गोली मारकर लूटने वाले 4 गिरफ्तार, लुटेरों के 2 साथी अभी भी फरार। आगरा के सुभाष पार्क में पहुंची मलेरिया विभाग की टीम, डेंगू को लेकर लोगों को किया जागरूक, स्वास्थ्य शिक्षा देकर मुहिम में मांगा सहयोग। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, चुनाव प्रभारी से कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कहा इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। कासगंज में वृद्ध महिला की जमीन पर अवैध कब्जा, कोर्ट के आदेश पर भी खाली नहीं करवा रहा प्रशासन, अधिकारियों की चक्कर काट रही है पीड़िता। महाराजगंज में अंतिम संस्कार के लिए वन विभाग ने नहीं दी लकड़ी, शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आगरा में फिर चर्चा में पूर्व बसपा विधायक के कश्मीरी गार्ड, 4 बंदूकों के साथ तस्वीर हुई वायरल, बढ़ सकती है उनकी परेशानी। काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों पर होगी FIR, गाजीपुर DM ने सड़कों की मरम्मत न होने पर जताई है नाराजगी, अनुपस्थिति अफसरों की कटेगी सैलरी। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।